सहारनपुर जनपद की नगर सिटी कोतवाली की रहने वाली पीड़िता ने अपने साथ हुए मामले में पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट न होने पर एसएसपी डॉक्टर विपिन तादा के ऑफिस में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि मोहल्ले के ही रहने वाले एक युवक नीरज कश्यप ने मुझसे जालसाजी करके पहले तो मेरे साथ 14 लाख रुपए का फ्रॉड किया, फिर उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर धीरज कश्यप ने पैसे देने के बहाने मेरे घर आकर अपने भाई सूरज कश्यप व अन्य एक साथी के साथ मिलकर मेरी बच्ची को जान से मारने की धमकी दी। एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन तादा ने पीड़िता के केस को कुछ महीने पूर्व ही कोतवाली सिटी से ट्रांसफर करके थाना मंडी भेजा था, जहां थाना मंडी पुलिस ने आरोपी नीरज कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़िता का कहना है कि आरोपी धीरज कश्यप व सूरज कश्यप, जिनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाए है, और नीरज कश्यप जेल से आने के बाद अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर मुझे व मेरे चचेरे भाई व मेरी बच्ची को जान से मारने धमकी दे रहा है। पीड़िता ने कहा कि एफआईआर को दर्ज हुए कई महीने हो चुके हैं, पर आज तक पुलिस ने मुलजिमों को पकड़ा नहीं है। मैं लगातार थाने के चक्कर काट के तंग आ चुकी हूँ। मेरी तथा मेरी दो बेटियों की जान व इज्जत पर आज भी खतरा बना हुआ है। हमारे पास अपनी जान देने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है। कृपया हमें इंसाफ दिलवाएं, जो आज तक कोई नहीं दिलवा पाया है। सर, मेरा रेप का 376 का मामला है। इसमें तीन भाई नीरज कश्यप, धीरज कश्यप और सूरज कश्यप, शिव चाट भंडार के नाम से उनकी दुकान है, कारान मल्ला पुरानी चुंगी में वो रहते हैं। सर, इसमें बड़े भाई ने, नीरज कश्यप ने, मेरे साथ पैसों का लेन देन किया और मेरे पैसे रख लिए। 10 लाख रुपए पहले लिए थे और 4.25 लाख आज भी ऑन रिकॉर्ड खड़े हैं। सर, उसके बाद मैं लगातार उनकी दुकान पे चक्कर काटती रही, घर के चक्कर काटती रही, और इसमें धीरज ने मुझे ये कहा मैं घर आके हिसाब करूँगा, और घर आके हिसाब के बहाने से उसने मेरे साथ मेरी इज्जत पर हाथ डाला और मेरे साथ रेप किया। मेरी छोटी लड़की 2.25 साल की घर के बाहर खेल रही थी, जिसमें छोटा भाई सूरज और एक और अन्य साथी था जो मैं बाहर निगरानी कर रहा था, और उन्होंने मुझे ये धमकी दी थी कि अगर हम मैं उसकी बात पर चिल्लाई या कुछ करा तो वो मेरे बच्चे को जान से मार देगा। पैसे किस चीज़ के थे, किस तरीके से लिए थे आप? सर, मेरा किट्टी वगैरह का काम है और वो मेरे से थोक के माल के लिए पैसे लेता रहता था, लौटाता रहता था। क्या कुछ कार्रवाई हुई है? सर, इसमें पहले सिटी कोतवाली के पास गई थी मेरी, उसके बाद फिर कप्तान जी ने थाना मंडी में ट्रांसफ़र करा दिया था। वो भी सेटिस्फाइड नहीं थे थाना मंडी वाले एसओ सर ने, उन्होंने नीरज कश्यप को गिरफ्तार किया था। अब धीरज और सूरज को उन्होंने अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया। अब वो सरेआम मुझे धमकी दे रहे हैं कि तूने अच्छा नहीं किया, हम तुझे जान से मार देंगे। मुझे और मेरे कज़न मोनू गुजराल, हम दोनों को धमकी मिल रही है। अभी आप मिले हो कप्तान जी, क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि नीरज, धीरज, सूरज तीनों जेल जाएंगे, कोर्ट से इनके वारंट लिए जाएंगे। मैंने कहा नीरज कश्यप जेल से जमानत पर बाहर आ गया, उन्होंने कहा उसे दोबारा भेजा जाएगा। इतनी जल्दी आपको पूरा वो इंसाफ मिलेगा।